सहरसा पुलिस ने 10 लाख रुपए की लूट मामले में बड़ी सफलता पाई है। पुलिस ने 4 लोगों को लूट के रुपए सहित गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला एक तथाकथित फर्जी लूट कांड का है। एसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर इस मामले का उद्भेदन किया है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि बीमा कंपनी के 4 कर्मचारी अमित, निर्मल, वैभव और अंकुश ने मिलकर योजना बनाई और बैंक में रुपये जमा करने के लिए जा रहे अमित ने अपने सहयोगी से मिलकर रुपये गायब कर थाने में लूट की घटना दर्ज करवाया। पुलिस ने जब अनुसंधान किया तो लूट की घटना महज एक कहानी साबित हुई। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसको बैंक में जाके जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, उसी के एक एम्प्लॉई अमित नामक एम्प्लॉई जो आज लगभग 10 लाख रुपए लेकर जा रहे थे जमा करने, इनके और इनके साथियों के द्वारा जो साथी उसी कंपनी में कार्य करते हैं, फर्जी लूट की घटना को बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें जन सहयोग के माध्यम से, क्योंकि मार्केट प्लेस था, भीड़भाड़ वाला इलाका था, तो तुरंत लोगों ने भी उनको डिटेन किया, पकड़ा, थाने को भी सूचना दी और इसमें हम लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया, पूछताछ की, तो ये साबित रूप से सामने आया कि ये चारों के चारों व्यक्ति कंपनी के एम्प्लाई थे, जिसमें से एक व्यक्ति हैं वैभव, जिनके घर से 10 लाख रुपये, लगभग 10 लाख रुपये बरामद हुए और एक अमित नामक व्यक्ति है जो पैसा लेके जा रहे थे, और इसमें 2 लोग और हैं, एक निर्मल और एक अंकुश, जो पैसा कुछ फट्टा मारकर